नमस्ते, आमे आलोचना करूथिले पंचसखा साहित्यर वरिष्ठ कवि बलराम दासंकर रचना संपर्क रे एवं तांकर आजि अन्यन्य रचना संपर्क रे आलोचना करिबा एवं सेई क्रम रे प्रथम ग्रंथ होउछि आजि ज्ञान उज्ज्वल मणि गीता। बलराम दासंकर एई ग्रंथटी अप्रकाशित अद्यावधि एवं यार नाम होची ज्ञान उज्ज्वल मणि गीता। एही ग्रंथरे सहजानंद कौन ताहा बुझाइबा को जाई कवि कही छंती, तेबे नरजन्म हेब माया अंधार फिटिब, सहजानंद चरणे लगाओ आशा, ए अंगे कारण पाई हरे राम कृष्ण, एही तीनि अंग मिशी गुरु कृपा सदृशा, एही अंश आश्रय करी सुकृत दुष्कृत हरि कृष्ण प्राप्ति पथ, एहु अटई जान अन्य अंक नर देही सहज मनीषा, एही ए अंश न भजी नुहे महत जन, सहजे मनुष्य हेब सहजानंद चिन्हिब, सहजे ताहार गति होइब सिना, सहज भाव जानिब सहज प्रेम मणिब, सहजे ब्रह्मरे लीन होइब नीना। द्वितीय अध्याय रे क्लीं श्लीं ह्लीं एई त्रिविज र तत्व कवि बुझाइबा को जाई कहिसंती जे एही त्रिविज यथाक्रमे शून्य महाशून्य और ठूल शून्य भावरे परिचित। महाशून्य माने क्लीं रे परब्रह्म, ठूल शून्य श्लीं रे जोगमाया, अशून्य ह्लीं रे प्रेम रूपा अधिष्ठान। ए तीनि हे एक, एमाने मध्य नित्य महानित्य ओ परमनित्य रूपे परिगणित। राम शब्दर तात्पर्य बुझाई कवि कहंती जे रा अर्थ राधिका, म अर्थ कृष्ण, ओ राम शब्दरे राधा कृष्ण उभयंकर स्वरूप रहिछि। सेहिपरि तृतीय अध्याय रे हठजोग बा हठजोगर वर्णना रहिछि। सात बाररे चंद्र सूर्य नाड़ी रे वायु प्रवाह कथा विस्तृत भावरे वर्णित। वायु फेराइबाकू आशावाड़ी बा नुआहांडीर उपादेयता बुझाई, कुंभकरे जप करिबाकू हेबो ओ खेचरी रे बंध बांधिबाकू हेबो। इडा पियणा ओ सुषुम्ना नाड़ीर मिलन स्थल त्रिकुट भावरे परिचित। सेही मध्यस्थान खेचरी मुद्रा जहु तीनि धार बहुछि सुधा, से स्थानर मध्य त्रिकुट बोली ब्रह्मर भुवन अटे से स्थली। चंद्र सूर्य बेनी नाड़ीटी मूल, जीवर जन्म मृत्यु एथि ठूल, आउ अधिक जेऊ ज्ञान मान सबुं करी मूल अटे ए जान। एही प्रसंगरे शरीररे दश वायु जथा प्राण पान व्यान उदान समान नाग कूर्म कर्कट देवदत्त ओ धनंजय प्रभृतिर अवस्थान वर्णना करी कवि कहिसंती जे साधन पक्षरे रात्रि भोजन ओ दिवस निद्रा काल। पंचम अध्याय रे कवि मंत्रराज कौन ताहा गजपति प्रताप रुद्रंकु बुझाई छंती। से लेखी छंती प्रताप रुद्र महाराजा चरण धरी कला पूजा, किस कहिले नर हरि पाथकु कला ग्रत करी, से कथा कहि बाको मते संसारु तरीबिके मन्ते, जहा बोइले नारायण मंत्र जंत्र कु उद्धारण, कहिबा हेउ शूद्र मुनि एमर भक्ति भाव घेनी, कहई बलराम दास शुण राजन महारस, मंत्रराज
बुझाइबारे से कही छंती एतेक गुरु आज्ञाए एहा अर्जुन को श्री ठाकुरे देखाइले ताहा बलराम दास को ठाकुरे कहिले बलराम दास ताहा प्रताप रुद्र को उपदेश देले तांको गुरु श्री चैतन्य गोसाई से मंत्र देइथिले जंत्र गुरु बलराम दास हेले कहई बलराम दास सुनी प्रताप रुद्र तोष एहा परे गोपाल मंत्र प्रेमदा षडाक्षर श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं श्रीं षडसखींक अंक हरे राम कृष्ण षोल नाम बत्तीस अक्षर तत्व बुझाई ग्रंथटी अष्ट अध्याय रे समाप्ति लाभ करिछि। तांकर अन्य एक जगतत्वमूलक ग्रंथ हेउची विराट गीता। ग्रंथर प्रथम अध्याय रे वर्णित होइची जे जेतेबेले जलस्थल किछि नथिला सेतेबेले परब्रह्म महाशून्य रे थिले तांकर सेतेबेले विराट रूप सृष्टि क्रिया साधन निमित्त से शून्य को बिंदु क्षेपण कले से धूम्राकार बिंदुरु शक्ति शक्तिरु ओंकार ओ तहिरु त्रिबीज त्रिबीजरु नाम नामरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओ परे तहिरु जगत ओ जीव सृष्टि हेला। द्वितीय अध्याय रे पिंड ब्रह्मांडर सृष्टि किपरी माता पिता रज बीर्जरे घटुची समस्त तत्व से विशद भावरे वर्णना करिछंती। तृतीय अध्याय रे मध्य सेहीपरी सृष्टि क्रिया संबंधी तत्व और स्त्री पुरुषंकर सहवास संबंधी विभिन्न तात्विक नियम सप्तांग अनुसारे वर्णना करिछंती। एहा छड़ा सात बारिणी बा सात बाररे केउ केउ दिन रे स्नान निषिद्ध और केउ केउ दिन स्नान विधि ग्रहणीय ताहा कहिबा सहित सप्तांग अनुसारे खाद्यपेय और शयन विधि निर्दिष्ट करिछंती। गृहीर संयम जीवन कौन हेबा उचित ताहा से उल्लेख करिछंती यथा बाम नासिका बहु थिबो स्नान भोजन न करिबो डाहाण पुड़ा बहु थिले स्नान भोजन तेते बेले शयन मार्ग कही देबा तमनु संशय फेड़ आद्य निशारे न शईबु मध्य प्रांतरे जगी थिबु एमंत शयन भोजन एभावे रति करी पुण गृही स्वभाव धर्म एही ए मार्गे चल वीर तुही। चतुर्थ और पंचम अध्याय पिंड ब्रह्मांड तत्व वर्णित। षष्ठ अध्याय रे शरीर मध्य केउ केउ स्थान रे की भावरे कथित ताहा से वर्णना करिछंती जेपरी डाहाण नासा सूर्य ज्योति बाम नासिका चंद्र कांति शरीरे बास्तरी जे नाड़ी अष्टांग शरीर को भिड़ी बेनी बंधुंक मध्य स्थान त्रिकुट बोली तार नाम दंत संधिरे शिशु मुना गुपत धारा सेहु सिना कपले बंकु नाल होई मृणाल नासा वायु कही कपले बंकु नाल होई देह छाड़िले प्राण जाई ए आत्मा महाशून्य रही तालुकु कही महाशून्य चक्षुटी अटे तत्व शून्य नासाटी प्रेम शून्य कही ध्यान शून्यटी वर्ण होई मुखकु कही ज्ञान शून्य एमंते जान पांच शून्य। अष्टम अध्याय रे विभिन्न दिन शरीरर विभिन्न स्थान रे चंद्रर स्थिति बुझाई छंती जे चंद्रकला कु न जागिले काल मारी नै जीव से सेथिपाई कहि छंती चंद्र मंडले ध्यान रख ब्रह्मांडे न पाइबु दुख चंद्र मंडले लीला सार सुण अर्जुन महावीर।
नवम अध्याय रे कहिसंती महाशून्य ही विराट नित्य उपरे महाशून्य शून्य उपरे ब्रह्म ब्रह्म उपरे आदिशक्ति और ता तले षोहल शून्य रही पाद गुह इंद्री कंठ नाभि हृद मुख शिशुम्ना नासारे दुई शून्य चक्षुरे दुई शून्य त्रिकुट अबेनिकर्णरे दुई शून्य एहिपरि षोल शून्य और से षोल शून्य षोल ओंकार भाव कथित एहा उपरे एक ओंकार महाशून्य भाव रही दशम अध्याय सृष्टि प्रक्रिया संबंध में से कहते जे महाशून्यरु सृष्टि अर्थात महाशून्यरु वीर्य खसी माता पद्मरे पड़ीबा परे पंचभूतर सृष्टि हेला और क्रमे जीवर हेला उत्पत्ति सेथिपाई से कहिसंति मातार पद्मे करी बास एमंते विराट पुरुष माता शून्यटी जहा कही विराट पुरुषटी से ही परिशेषरे द्वादश अध्याय रे से ज्ञान भक्ति बल रे ही मनुष्य संसार रो समस्त दुख निवारण करी पारिबो बोली उल्लेख करिछंती। तंकर कवितार धाड़ी रे ब्रह्मांडे बुली तुन मार बेड़ मते आश्रे कर ज्ञान रे मन जेबे थाई छाल काल छार कु भय नाही। तांकर बहुचर्चित बलराम दासंकर बहुचर्चित ग्रंथ ताहा होची लक्ष्मी पुराण ओडिशा रे घरे घरे लक्ष्मी पुराण बा धान माणिका ओसा प्रति गुरुवार रे बोला जाय थाए। सारला दासंकर लक्ष्मी नारायण वचनिकार धारा रे एही गुरुवार ओसाटी बहु परे लेखिथिले बलराम दास ओडिया घरणी मानंकर चाली चलणी शांति शौच नीति नियम को एही पुराण भितरे कवि रूपायित करिछंती। षोडश शताब्दी ओडिशार सामाजिकता केतेकांशरे एही लक्ष्मी पुराण भितरे प्रतिफलित हेछि। ओडिशा एक कृषि प्रधान देश एबे मध्य से कृषि प्रधान देश है रही धान सिंसाटी ता दृष्टि रे लक्ष्मी ओडिया घरणी से धानर पूजा करी थाए प्रति गुरुवार दिन ओ मार्गशीर मास प्रति गुरुवार दिन ओ मार्गशीर चारि गुरुवार रे एही व्रत उद्यापित होता है महासमारोह रे। एही व्रतटी विशेष भाव प्रत्येक ओडिया घरणी लक्ष्मींकर पादपद्म चिन्ह रे ओडियार घर जेते बेले पूरी उठी थाए कांथ बाड़ी पूरी उठी थाए धान सिंसा और धान मेंटी रे ओडिया घरणीर सेते बेले की आनंद तार गोड़ भूईरे लगुन थाए घर भितरे धान ओ गौणी रे लक्ष्मी ठाकुरानी तार पादरे पुनी सबुठारु बढ़िया भोग हुए खुद कुंडा अति निविष्ट चित्तरे ओडिया घरणी बलराम दासंकर लक्ष्मी पुराण बोली थाए। लक्ष्मीवती स्त्रीर ओ पुरुषर आचरण से अति निविष्ट चित्तरे पढ़ी थाए पाखरे रुंड होइथांती पुओ झियो माने से माने भी एही सुंदर नीति गुड़िक द्वारा प्रभावित हुवंती। से बोली चले जेउ नारी गुरुवार दिन रे आइंस भुंजई लोभरे किबा नपखाळे केश भुंजई उच्छिष्ट किबा लगाए से तेल महालक्ष्मी तार निश्चे भांगंतीटी गेल गुरुवारे जेउ नारी तुळाकु भीणई लाउरे आमिष देई जेग्रास करई घर छायारे जेहु करई शयन रात्रि काले दधि अन्न जेकरे भोजन खौर हुए जेहु नापी तर द्वारे
भोजन समय अन्न पकाए भूमि रे भुंजिन पारिण अन्न फोपड़ाई दिए एते कर्म जेकरे से लक्ष्मी की न पाए। एमती सह सह उपदेश ओडियार गृहलक्ष्मी पाई छोटिया पुराण टीए सुंदर एवं सरल भावरे वर्णित होई। सती सावित्री लक्ष्मीवती ओडिया झियो बहुर एही पुराण टी क्षुद्र अथच महान पुराण। श्रिया चंडालुणी घरे लक्ष्मी सदाचार देखी संतुष्ट होई ता प्रति प्रसन्न होई छंती। तार छोटिया कुड़ियाटी चंदन उआस हेला लक्ष्मींकर हाथर स्पर्शरे। चंडालुणी घरु लक्ष्मी आसीबा परे मंदिर को जीवा समय रे जगन्नाथ बलभद्र मंदिर भीतर को छाड़िले नहीं। लक्ष्मी चंडालुणी घर को जीवा आसीबा जगु जगन्नाथ लक्ष्मी को भर्त्सना कले। लक्ष्मी अभिमान करी देहरु तांकर सबु आय अलंकार काढ़ी देई निज बाप घर को चली गले। गला बेड़े से जगन्नाथ को अभिशाप देई गले जे 12 वर्ष पर्यंत दरिद्र हेबे ओ अन्न वस्त्र जल तांकु किछि जे परि न मिले। लक्ष्मी वैकुंठपुर को गले ओ विश्वकर्मा तळीथिबा सुवर्णर उआसरे रहिले। एहा परे लक्ष्मी कूट आचरण कले बेताल मानंकु डाकी आज्ञा देले जगन्नाथंक भंडार शून्य करी सबु नेइ आसीबा पई। ठीक अल्लादिनर जादुकारी भृत्य परी बेताल माने लक्ष्मींकर सबु आदेश पालन करी जगन्नाथ बलभद्र दुई भाई की ओडुआरे पकाई छंती। एपरी की दौड़िया खटटीए पकाई देई जगन्नाथंकर रत्न पलंक बही आणिले। जगन्नाथ हेले दरिद्ररु दरिद्रतर। जगन्नाथ बलराम द्वारदार बुलिले अन्न पाई। सरस्वतींकर आज्ञारे कहारी कंठरे दया नाही। द्वारदार बुली सेमाने चली आसिले खाली थाळरे। एपरिकी ए दुई भिकारी की देखी लोके दांड कबाट किड़ी देले ओ ठेंगा बाड़ी धरी गोड़ाइले मारिबा पाई। जीएबा तांकु खुद की खई गंडीए आनी देला लक्ष्मी को आज्ञारे पवनरे से सबु को उड़ेई नेई गला खाइबा पूर्वरु। बुली बुली सेमाने लक्ष्मी को घरे पहुंची छंती भिक्षा थाळ हातरे। लक्ष्मींकर कपट बेश सेमाने जानी पारिले नाहीं। लक्ष्मी संचा देले रांधिबा पाई किंतु निया लागिला नाही कि पानी तातिला नाही। कष्टर तो गोटिए सीमा अछि। लक्ष्मी स्वामी ओ देढ़सुरंकर दुख आउ सही न पारी आसी सबु रंधाबढ़ा करी देई गले। नाना प्रकार दिव्य व्यंजन सुनार थाली रे भरी उठिला। खाइबा परे लक्ष्मी मन जानी पड़ो पिठा देले। जगन्नाथंकर मने पड़िला लक्ष्मी को हाथर पोड़ो पिठा। लक्ष्मी परा भार्जा को पाइबी आउ कहीं लक्ष्मी को भर्त्सना करी देलु घोउडाई। मोर मन कथा को से लक्ष्मी जानी थाई भजन शेष को पोड़ो पिठाए दियोई। लक्ष्मी गवाक्ष मार्गरे दुई भाईंकर हीन अवस्था देखी दासी हातरे पचारी पठाइले सेमाने विवाह होइछंती कि नाही। जगन्नाथ अनुसोचना करिछंती लक्ष्मी परि भार्या को भर्त्सना करी। एहा लक्ष्मींकर घर जानिबा परे बलरामंक कथारे जगन्नाथ लक्ष्मींक निकट को बाहरिले क्षमा मागिबा पई। लक्ष्मी ए कथा जानिपारी निजे आसी सांगे सांगे पतिंकर पाद धोई देई जथोचित अर्चना वंदना कले। लक्ष्मी हसी हसी कहिले जगन्नाथ को महालक्ष्मी कहुछंती प्रभुंकु अनाई चंडालुणी बोली मते देल घोउडाई। चंडालुणी घरे एबे भुंजिलो गोसाई चंडाल पिटाल हेल दुई गोटी भाई। धिक तुम्भ बड़पण धिक तुम्भ कथा पड़ु तुम्भर प्रतिज्ञा धिक तुम्भ भ्राता। लक्ष्मी जगन्नाथंक निकटरे शपथ करिनेले जे कैवल्य बा महाप्रसादरे मध्य चंडाल ब्राह्मण भेदभाव वर्ण रहिबो नाही। तेबे जाई से बड़ देउळकु जिबे।
एते कहि गोविंद धोइले लक्ष्मी हस्त जगत मात बोइले तुम्भे कर सत्य चंडाळु ब्राह्मण जाए खुआ खोई हेबे समस्ते खाइण हस्त जले न धोइबे हाड़ीर हस्तु ब्राह्मणे छड़ाई खाइबे ब्राह्मणे खाई हस्त को मुंडरे पचिबे अन्न खाई सर्वे मुंडे पछुथिबे हस्त तेबे बड़ देउल को जीवी जगन्नाथ जगन्नाथ एथिरे तथास्तु कहिले जगन्नाथ हसी हसी लक्ष्मीकर हात धरी देउल को नेइगले एहिपरि एक सुंदर कथा वस्तु नै पुराणटी लेखा हेछि ब्राह्मण ठारु चंडाळ जाय समस्ते ए पुराण को स्वीकार करिथांती गरीबठु बड़ लोक जाय जहा घर खोजिबो आउ किछि ग्रंथ थाउ बा न थाउ लक्ष्मी पुराण खंडिये निश्चय रहिथिबो एहा एक सुंदर लोकप्रिय लोक साहित्य भावरे ओडिया समाज को जुग जुग धरी प्रभावित करी आसुची एहा एपरी एक सरल भाषा रे लेखा हेछि जे भविष्यत को सह सह वर्ष धरी एहार लोकप्रियता मध्य अतूट रहिबो प्रत्येक ओडिया गृहिणी को आदर्श गृहलक्ष्मी कराइबा ए पुराणर लक्ष्य आउ मध्य जगन्नाथ धर्म भेदभाव शून्य सार्वजनीनता हेउची ए पुराणर प्रधान भावधारा प्रधान धर्म छुआ अछुआ उच्च नीच भेदभाव आउ आधुनिक जुगर हरिजन आंदोलन पाई केते दुआ न सृष्टि हेइची ए बाबदरे आमे समस्ते जानिछे किंतु शह शह वर्ष तले आमर धर्म ओडिया साहित्य रे प्रतिध्वनित होइछि अस्पृश्यता विरोधरे एक धार्मिक आंदोलन रूपरे जगन्नाथ धर्म परि एक सार्वजनीन समाज गढ़िबा पाई चेष्टा करिछि बहु प्राचीन कालरु तेणु एही प्रसंगरे मध्य आमे जदि देखिबा लक्ष्मी पुराणर वैशिष्ट्य होउछि जाति प्रथा विरुद्ध रे एहा हेउची कविंकर वैप्लविक चेतनार एक वार्तावह द्वितीय रे एथिरे पुरुष शासित समाज रे नारीर प्रयोजनीयता तथा गुरुत्व उपरे कविंकर संस्कारी प्राणतार छवि फुटी उठिछि विशेष करी एक सार्वजनीन समाज गढ़िबा पाई एथिरे प्रेरणा दिया जाइछि एहार ग्रंथर आरंभरे माता लक्ष्मीकर वंदना गान करा जाई मानवसा गुरुवार रो विधि विधान ओ सुचिता उपरे अधिक प्राधान्य दिया जाइछि प्रत्येक ओडिया गृहिणी को आदर्श गृहलक्ष्मी कराइबा हेउछि एहार उद्देश्य एही ग्रंथटी को पुराण शैली रे नारद ओ पराशरंकर उक्ति प्रत्युक्ति मध्यरे लक्ष्मी पूजार वैशिष्ट्य ओ विधान संपर्क रे जनता जनार्दन को अवगत करा जाइछि एहार भाषा सरल भावावेग स्वच्छंद ओ आकर्षणीय हेइछि तांकर अन्यान्य रचना माननक मध्यरे एक संक्षिप्त बा क्षुद्र रचना हेउछि बौला अध्याय एही ग्रंथटी 143 पद विशिष्ट एक क्षुद्र रचना ओडिशा रे मध्य एहा एक जनप्रिय ग्रंथ एही गीतटी को नाथ संप्रदायर जोगी माने केंदेरा बजाई गाई गाई भिक्षा ग्रहण करिथांती एथिरे किपरि बौड़ा गाई सत्य रक्षा करी व्याघ्र मुखरु रक्षा पाइथिला से प्रसंग वर्णित हेछि तार कथानक भाग होउछि एमिति जे कांची देशर बिरंचीपुर रे धनेश्वर नामक एक बणिया परिवार सह बसवास करूथिला तार बौड़ा नामरे थिला एक गाई गाईटी प्रतिदिन बनकु चरिबाकु जाए किछि दिन उत्तारे तार गोटिए पुत्र जन्म हेला
পুয়টি তার চারিদিনর হেবা পরে সে পুনরায় বনকু যাইছি। সেঠারে তার পুত্র কথা মনে পড়িবারু সে সরল ঘরকু ফেরিছি। বাটরে তার পথরোধ করিছি নিপুয়া নামক এক হিংস্র বাঘ। সে বৌড়াকু কইছি সাত দিন হেলা কিছি খাই নাই, তেণু আজি হি তাকু খাইব। মাত্র বৌড়া নিজর পুয়কু ক্ষীর দেই আসিবার ইচ্ছা জনাই সত্য করিছি, সে নিশ্চিত ভাবরে তা পাখকু ফেরি আসিব। বাঘটি দয়াপরবশ হই ও তার সত্য পরীক্ষা করিবা পাই বৌড়াকু ছাড়ি দেলা। অপেক্ষা করি রহিলা বৌড়ার ফেরন্তা বাটকু। বৌড়া যাই পুয়কু ক্ষীর দেইছি। পুয়কু ক্ষীর দেবা সময়রে পুয়কু ছাড়ি সে যে মরণ মুহকু যাউছি এহা ভাবি তা মনরে বহুত দুঃখ আসিছি। কবি বৌড়ার মনোভাবকু প্রকাশ করিবাকু যাই এঠারে শিশু প্রতি মা হৃদয়র কমল ভাবনাকু অতি সুন্দর ভাবরে উপস্থাপন করিছন্তি, যাহা কি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছি। মাতার সত্য রক্ষা পাই দৃঢ় সিদ্ধান্তকু লক্ষ্য করি তার পুত্র তা সহিত বনকু যাইছি। ভগবান সত্য রক্ষাকারিণী বৌড়াকু রক্ষা করিবা পাই বাঘর কণ্ঠরে বিজে করিছন্তি। বাঘটি বৌড়ার সত্যতারে প্রীত হই তাকু ঘরকু পুত্র সহিত ফেরি যিবাকু উপদেশ দেইছি। মাত্র বৌড়া অন্নদানর ফল সম্বন্ধীয় আউ এক কাহাণী বাঘকু কহিছি। এই কাহাণীটি এক ব্রতর কাহাণী পরি আলোচক মানে অনুমান করিছন্তি। সে যে কাহাণী বৌড়া কহিছি তাহা হচ্ছে অঙ্গদেশর কলিঙ্গপুরের এক বিত্বেশ্বর নামরে বনিয়া বাস করুথিলা। তার সুবেণী নামরে গোটিয়ে গাই থিলা। সে গাইটি বন্ধ্যা বলি জনা পড়িবারু বিত্বেশ্বর তাকু বিঘ্নকর নামক ব্রাহ্মণকু দান স্বরূপ দেইদেলা। পরে দরিদ্র ব্রাহ্মণটি অর্থ লোভরে গাইটিকু দুই জনক সেই মাত্র পাঁচ টঙ্কা বিনিময়ে বিক্রি করে দেলা। এহা দেখি ভয়রে গাইটি খুব বেগরে ধাই পলাই গলা। শেষরে সে হালিয়া হই চেতনা হরাই অন্য গ্রামর কুবের সাহু নামক মহাজন দ্বার মুহরে পড়িগলা। তা পছে পছে দৌড়ুথিবা কংসেই দ্বয় হালিয়া হই কুবের সাহু ঘরু অন্ন ভোজন করিছন্তি। কুবের সাহু গাইটিকু সেমানঙ্কু দেইছি। কংসেই দ্বয় গাইটিকু বধ করিছন্তি, ফলরে কুবের সাহু গোহত্যা দশরে দোষী সাব্যস্ত হয়েছি। তার বংশক্ষয় হয়েছি, তার সবু সম্পত্তি উভান হয়ে যাইছি। শেষকু সে ভিক্ষাবৃত্তিকু বাধ্য হই আদরি নেইছি। ভিক্ষার্থী কুবের প্রত্যহ ভিক্ষা মাগি যাহা আনে তাহাকু সমানভাবে তিনি ভাগ করে, সেথিরু গোটিয়ে ভাগ অতিথিঙ্কু দিয়ে, অন্য দুইটি ভাগ সে ও তার স্ত্রী ভোজন করন্তি। সবুদিন সে এইপরি করে, কদাপি সে সত্য ত্যাগ করে না। থরে সে তার স্ত্রী কথারে শ্বশুর ঘরকু যাই কিছি ধন সাহায্য আশারে পৌঁছিছি, সাথিরে নেইছি কিছি খুদ। বাটরে স্নান শৌচ সারি সেথিরু চারিগোটি মাত্র খুদ বতুরাইছি। তিনি খণ্ড পত্র আনি বতুরা খুদকু তিনি ভাগ করি বাণ্টিছি। সেঠারে অতিথি বা মিড়িবে কেউঠু ভক্তবৎসল ভাবগ্রাহী তা মনর কথা জানিছন্তি। সে ব্রাহ্মণ বেশরে সেঠারে পৌঁছিছন্তি। তাঠারু সে খুদ গ্রহণ করিবারু কুবের সাহু গোহত্যা দশরু মুক্তি পাইছি এবং তার পূর্বর ধন জন গোপলক্ষ্মী সবু ফেরি পাইছি। এহা হেউছি অন্নদানর মাহাত্ম্য। এহা পরে বাঘটি বৌড়াকু ঘরকু ফেরাই দেই শরীর ত্যাগ পূর্বক বৈকুণ্ঠ গামী হেইছি। তেবে এই বৌড়া অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য হেউছি এথিরে প্রাচীন কাহাণী মালার মুখ্য কাহাণী সহিত এক শাখা কাহাণীর অপূর্ব সংযোজনা করা যাইছি। দ্বিতীয়রে
एथिरे पशुटीए किपरी सत्य रक्षा करी हिंस्र व्याघ्र मुह को मरिबाकु आसीचि तार चित्र दिया जाइछि। एहा सहित जणे मृत्यु आसन्न थिबा जानी नवजात पुत्र प्रति मातृत्वर वेदना को कवि अतीब करुण रसात्मक भंगी रे वर्णना करिछंती। तृतीय रे कवि समाजर वास्तव चित्र प्रदान अवकाश रे गाई गोमाता को बंध्या हेबारु स्वार्थन्वेषी मनीष जनैक ब्राह्मण को दान करि देइछि। ब्राह्मणटी दानर मूल्य बुझि न पारि अर्थ लोभरे गाईटी को कंसेई को बिक्री करि देइछि। सेहिपरि मुमूर्षु गाईटी प्रति कुबेर साहू शरणार्थी भावे सेवा न करि पुनश्च न्याय देबा आळरे कंसेई को दे गोहत्या दशरे दोषी हेइछि। एही सबु चित्र मध्यरे समाजरे निष्ठुरतार परिचय बेस्पष्ट रूपे प्रतिफलित हेइछि। एथिरे सत्यर महात्म्य ओ अन्नदानर फल कथा ही मुख्य प्रसंग भावरे वर्णित हेइछि। ग्रंथटीर आरंभरे कवि सत्यर महात्म विषयरे भगवान युधिष्ठिरंकु उपदेश देबा छड़रे एहार कथावस्तु आरंभ करिछन्ति। आरंभरे जगन्नाथंकर वंदना गान करा जाइछि। बलराम दासंकर अन्य एक क्षुद्र रचना हेउछि मृगुणी स्तुति। एही मृगुणी स्तुति भागवतर जो मृगुणी स्तुति उपाख्यानर अवलंबन रे रचित एक अत्यंत जनप्रिय रचना। तार कहानी हेउछि एही परी तारावती नामरे एक गर्भिणी मृगुणी तार दुईटी शिशु शावक सहित सुबाहु बनरे एकदा खाद्य अन्वेषण रे थिला व्यस्त। एही समय रे विरूपाक्ष नामक जनैक सबर द्वारा बिछा जाइथिबा जालर सम्मुखीन होइछि। चतुष्पार्श्वरे जाल अग्नि स्वयं सबर ओ स्वानगस्थी तार पथरोध करिबार देखि से भीतस्त तस्त्र होई पड़ी। शेषरे से निरुपाय होई रक्षा पाइबा निमन्ते भगवानंकु भक्तिर सहित आकुलित चित्तरे प्रार्थना करिछि। भगवान विपदग्रस्ता भक्तर आकुल प्रार्थना सुनिछन्ति। तांक आदेशरे इंद्र तत्क्षणात घोर वर्षा करिछन्ति। पवन 49 बेगरे प्रवाहित होइछि। प्रबल वर्षारे प्रज्वलित अग्नि हेइछि निर्वापित। पवनर तीव्र गतिर ताड़नारे व्याधर श्वान इतस्तत होई पलायन करिछन्ति। मृगुणी रक्षा पाइछि। एहार वैशिष्ट हेउछि कहानी एहार सहज। एथिरे सुक परीक्षित संवाद छड़रे कथावस्तु आरंभ करा जाइछि। एथिरे भक्तवत्सल भगवान जेते दूरे थिले मध्य भक्त को सर्वदा विपदरु उद्धार करंती ताहा प्रमाणित होइछि। अन्य प्रति कपटता आचरण कले ताहा शेषरे फलप्रसू हुए नाही। एही वार्ता एथिरे कवि जणे समाज सचेतन शिल्पी भावरे प्रमाणित करिछंती। एहार भाषा ओ कहानी प्रवाह बेश सरल ओ साबलील। भाषा मध्य सुबध्य एथि जगु एहार साधारणतः लोकमानंक निकटरे अधिक भावरे ग्रहणीय ओ आद्रुत हेइछि। आजि एतिकि थाउ। परवर्ती समय रे पुणि तांकर अन्यान्य रचना प्रसंगरे आलोचना करिबा। नमस्ते। कमेंट रे जहाँ चाहिबे लेखि पारिबे। नमस्कार। धन्यवाद।